क्या हुआ, जियो पे कॉल नहीं लग रही है क्या? या जियो से किसी और नेटवर्क पे कॉल कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है, कॉल फेल हो जा रही है, नेटवर्क बिजी बता रहा है, और भी बहुत सारी समस्या हो रही है। स्वागत आप सभी का टेक विद एमटीके में, और आज बात करेंगे सिर्फ और रिलायंस जियो के बारे में। इसके अलावा और कोई बात करने वाला नहीं हूँ मैं आज, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अब रिलायंस जियो के साथ खड़ी हो गई है। जियो का जो ऑफर था 5 सितंबर की स्पीच है मुकेश अंबानी की तरफ से, वो ये कि लाइफ टाइम फ्री वॉइस कॉलिंग होगी, लेकिन लगता है कि फ्री वॉइस कॉलिंग अभी एक महीना भी हुआ नहीं और फ्री वॉइस कॉलिंग हो नहीं पा रही है। आप मिला रहे होंगे किसी भी नंबर को, हो सकता है आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क बिजी है, नेटवर्क बिजी है। और ये जो मेजर इशू है ये सिर्फ 3 कंपनियों के साथ ज़्यादा आ रहा है, वो है एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। आज जियो की तरफ से एक मेल आया है जिसमें बताया गया है कि करीब 4 करोड़ कॉल्स जो है वो जियो और आइडिया के बीच में डेली फेल हो रही हैं। अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जो जियो पे स्विच कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वॉइस कॉलिंग फ्री होगी। वो सभी इस प्रॉब्लम को फेस करो, क्योंकि मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। 5 सितंबर के बाद से मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया 3 ऐसी कंपनियाँ जिनको जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो नेटवर्क अल्टीमेटली हर बार बिजी बता रहा है। दूसरे नंबर से मैं कॉल करता हूँ तुरंत कॉल चली जाती है। वहीं जियो से दूसरे जो कंपनीज है, यानी एयरसेल हो गई, आपकी यूनिनॉर हो गई, बीएसएनएल हो गई, इस तरह की जितनी भी ये घटिया क्वालिटी वाली कंपनियाँ, इन सब में कॉल आसानी से लग जाए। लेकिन ये 3 जो टेलीकॉम जाइंट हमारा एयरटेल हो गया, उसके बाद वोडाफोन और आइडिया, ये तीनों बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं, जो कॉल नहीं कनेक्ट होने दे रहे हैं। इनके अपने अपने कुछ नौटंकी हैं कि हाँ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी इसको इशू को सॉल्व करने के, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है। और अगर आप भी जियो का सिम ले चुके हैं, और अगर आप मेरी तरह ही एक थोड़े हिले हुए इंसान है जिसने लाइफ का फ़ोन ख़रीदा है सिर्फ जियो की वॉइस कॉलिंग और नेट को इस्तेमाल करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिल से बुरा लग रहा होगा कि आपकी तो कॉल लगती ही नहीं है, क्योंकि जितने भी जान पहचान वाले हैं वो सभी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया यूज़ करते हैं। घसी घटिया बीएसएनएल को तो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर कॉल किसको करें, फ्री कॉल का फ़ायदा ही क्या। लेकिन इंतजार करिए, बहुत जल्दी ये इशू सॉल्व हो सकता है, होने वाला नहीं है, हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं होगा अभी ये भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है जियो की ये नौटंकी ऐसी चलती रहेगी दूसरी कंपनियों के साथ और दूसरी कंपनियों की जियो के साथ। इस तामाझामी में सबसे बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी हो रही है अगर आप जानबूझ के स्विच कर रहे हैं जियो पे, तो इंतजार करिए 31 दिसंबर का, उसके बाद जनवरी पूरा बीत जाने दीजिए, फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जियो में स्विच करें। उससे पहले जियो पे स्विच मत करिए, क्योंकि अभी बहुत नौटंकी हो सकती है। हो सकता है कि वॉइस कॉलिंग जो फ्री कही गई है वो मे बी इन केस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ट्राई वो चेंज करा सकता है। हो सकता है कि वॉइस कॉलिंग बंद हो जाए, फ्री वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब कंपनियां सपोर्ट करेंगी तो क्या घंटा जियो से जियो कॉलिंग चलेगी क्या? तो बने रहे साथ में, जो भी खबर होगी मैं जल्द से जल्द बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन को ठोकें। और वीडियो में मैंने लगा रखा है नीचे यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा पूरा कि क्या मेल है, किस तरह का मेल है, आप पूरा पढ़ सकते हैं इस मेल को। अगर आपको पूरा और डिटेल से पढ़ना है तो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, वहाँ जाके आप पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि क्या रिलायंस की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं दूसरी कंपनियों से रिलेटेड, उनके जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है। धन्यवाद, पसंद आए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।